राजगढ़ जिले में जलाए जा रहे माफिया के खिलाफ अभियान के तहत राजगढ़ जिले के समस्त थाना प्रभारियों को माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उसी निर्देश का पालन करते हुए थाना माचलपुर पुलिस ने अपने सघन प्रयास के चलते मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस आर दंडोटिया और SDOP सुश्री निशा रेड्डी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी माचलपुर उप निरीक्षक राजकुमार रघुवंशी के नेतृत्व में थाना माचलपुर के सौनी राधेश्याम ठाकुर के हमराह में टीम का गठन किया गया, जिसके बाद टीम ने कार्यवाही करते हुए राजस्थान से आ रही बोलेरो गाड़ी की चेकिंग की, जिसमें से अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अवैध शराब और बोलेरो जब्त की है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सभी को निर्देश दिए गए थाना प्रभारियों को कि जो भी माफिया हैं, चाहे वो अवैध शराब से संबंधित हों, नशे के कारोबार से संबंधित हों या जमीन संबंधी हों, तो उन सभी के विरुद्ध सख्ती से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था माचलपुर पुलिस के द्वारा। कल दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अंतर्राज्यीय अवैध शराब के कारोबार के कुछ लोग अपनी इस प्रकार की गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, जिसके ऊपर से कल वाहन चेकिंग लगाई गई थी और बस स्टैंड माचलपुर पर एक वाहन को जब्त किया गया है, जो सफेद रंग का बुलेरो है, राजस्थान पासिंग है, और उसमें अवैध शराब की 37 पेटियां, जो कुल 319 लीटर अवैध शराब है, 3 ब्रांड 4 ब्रांड की ये शराब है, और एक आरोपी को भी उसमें पकड़ा गया है और करीब 1.5-2 लाख रुपए की ये शराब है और 8 लाख का वाहन है। इस प्रकार से कुल 9,18,848 रुपये का मसरूबा जब्त किया गया है। सर, और किसी भी इसमें अपराधी शामिल हो सकते हैं क्या? इसके संबंध में आरोपी से भी पूछताछ की जा रही है, माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। रिमांड मिलने के उपरांत जो भी इसमें सम्मिलित हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उनको जल्द से जल्द पकड़ के माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। राजगढ़ से राम बाबू चौहान की रिपोर्ट।